यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और हमें यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अगर हम ऐसे स्टाफ नहीं होते तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी करवाई जाती हैं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है। आई एम जम्मू अपने आप में एक फैमिली है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें एक साल हो चुका है। ऐसा लगता नहीं है कि हम फैमिली से दूर हैं। कश्मीर जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए हेवन ऑन अर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, दरअसल अपनी साहित्यिक विरासत में भी समृद्ध है। ऐतिहासिक और राजनीतिक बदलाव के कारण जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसलिए जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाना जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों का भविष्य उज्ज्वल और आशाजनक बने। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी है ना सारों को यहाँ पे आने का मौका मिले, कि वो देख सकें कि हमारे जम्मू में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पर्वतीय घाटियों में दूर दराज बसे छोटे छोटे गांवों से छात्र स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन गुजरे दशक में इनके लिए स्तरीय शिक्षा की कोई गारंटी नहीं रही। ऐसे में केंद्र सरकार ने न सिर्फ खुद इस बात का बीड़ा उठाया, बल्कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था की दशा ही पलट कर रख दी। इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे जम्मू कश्मीर में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत स्कूल बनाए जा रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में 233 स्कूल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन स्कूलों में शानदार एजुकेशन स्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं और अच्छे शिक्षकों की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे जम्मू कश्मीर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में हर तबका शिक्षा के दायरे में आए, इसके लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। यहाँ के पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए EMRS या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जहाँ व्यवस्थाओं को समय के साथ और अपग्रेड किया गया है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, ये गरीब बच्चे हैं, ये यतीम बच्चे हैं और ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे दी, इतना अच्छा स्कूल यहाँ पे दिया। तो ये बच्चे जो हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इनको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी करवाई जाती हैं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है। क्लासरूम्स में इंटरैक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, लैब्स, लेबोरेटरीज़ वो भी, उनके ऑर्डर्स भी प्लेस हुए हैं और फुल फ्लैजर यहाँ पे लैब्स यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही हैं। जी, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट से। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा स्टाफ मिला, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टीचर मिले, हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। हमें किसी टाइम लगता है इवन कि हम रात नाइट में भी क्लासेस दे सकते हैं, देते भी हमें। यहाँ पे हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और हम गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमें इतना बड़े स्कूल में एडमिशन की गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और हमें यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अगर हम ऐसे स्टाफ नहीं होते तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ पाते। जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन सेक्टर में भी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र पहले दूसरे राज्यों की ओर रुख किया करते थे, उन्हें अब यहीं पर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल कोर्स की सुविधा मिलने लगी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यहां साल 2016 में IIT की स्थापना की, जगती में जिसका कैंपस 400 एकड़ में फैला हुआ है। जम्मू में IIM जैसा प्रतिष्ठित संस्थान भी बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को इसका उद्घाटन भी किया था।
पूरे 200 एकड़ में बनकर तैयार हुए इस भव्य कैंपस और शानदार इमारत पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आई है। This is my first time out of any other states than Tamil Nadu and Kerala. So Jammu, talking about IIM Jammu, it's a really good experience I have gained in the past 8 months. So yeah, the atmosphere, everything, which I really great, I really liked about the Jammu. IIM Jammu में आने से पहले मेरे घर में थोड़ी ऐसा डर था क्योंकि security reasons से जम्मू ऐसा थोड़ा हम लोगों को पहले safe सा नहीं लगता था। But यहाँ पर जब आए मेरे parents, उन लोगों ने ये सब कुछ देखा यहाँ का एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, हर कंटेक्स्ट में वो खुद इतने सेटिस्फाइड थे। और फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कंफर्टेबल, पूरा मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों को इतनी अमेनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, सब कुछ हमें बहुत कंफर्टेबल और यहाँ पे पूरा एक्सपोजर दिया जाता है। दिस IIT हैज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लोकल्स एज वेल, बिकॉज बिफोर वी हैड टू मूव टू अदर स्टेट्स फॉर लाइक इफ एनीबडी वांटेड टू ऑप्ट फॉर IIT, सो वी हैड टू मूव आउटसाइड स्टेट, बट नाउ IIT इज प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी हियर टू opt for research or to go for higher education, so it's very like it's a good thing that it's like in J&K we can now opt for higher education in IITs. IIT Jammu ek bahut acha college hai, like academic wise bhi acha hai aur infrastructure wise bhi acha hai, jaise abhi girls hostel hai yahan pe, ek girls hostel hai aur 3-4 boys hostel hai. Jammu Kashmir ke bachchon ko kafi zyada fayda mila yahan pe, pehle yahan pe IIT nahi tha, ab IIT banne ke बाद काफ़ी हायर एजुकेशन के मामले से काफ़ी बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिला है। मैं खुद MTech का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मेरे को नॉर्मली बाहर प्रेफर करना पड़ता था, बट यहाँ पे IIT की सुविधा, IIT जम्मू खुलने के बाद यहाँ पे ऐसी सुविधा प्रदान की गई है बच्चों को। जम्मू में ही IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान का भी पुनरुद्धार किया गया है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी संस्थान माना जाता है। साल 2016 में इसके स्थायी परिसर के निर्माण के लिए केरन बन तालाब इलाके में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जहां अब इसकी नई और भव्य इमारत बनकर तैयार है। यहाँ हिंदी पत्रकारिता में PG डिप्लोमा और डिजिटल मीडिया में PG डिप्लोमा जैसे दो नए कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे मीडिया इंडस्ट्री की बढ़ती मांग पूरी हो सकेगी। यहाँ हमें AI से लेकर प्रिंट तक की सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। डिजिटल मीडिया के कोर्स में जो आने वाली डिजिटलाइजेशन के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडिया में, इंग्लिश जर्नलिज्म में सारे जर्नलिज्म के कोर्सेज इंक्लूडिंग डिजिटल मीडिया पढ़ाया जाता है। हिंदी जर्नलिज्म में हिंदी जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ाया जाता है। 8-9 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसके दौरान हम शुरू से आखिरी तक थ्योरी के साथ साथ ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, जो हमें एक स्किल्ड जर्नलिस्ट के तौर पर तैयार करता है। जम्मू कश्मीर में स्कूली शिक्षा से लेकर IIT, IIM और IIMC जैसे उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान केंद्र सरकार के विजन, शैक्षिक उत्थान, सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आर्थिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।